अरे अच्छा बच्चों, बस अभी मैं जाऊँ, मुझे वो सोडा शॉप पर जाना है। अभी तू हराएगा। एक बार एक आदमी ने अपना मुंह निकाला और अपनी वाइफ से बोला कि मैं तुमसे 10 साल छोटा लगता हूँ। तो उसका वाइफ बोला, अगर तुम सर गंजा कर लेते तो 10 साल के बच्चे लगते। क्या बात है यार भैया, जोक पे जोक सुनाया जा रहा है, क्या बढ़िया जोक सुनाया है। सही बात है भाई, हमारी सोडा पार्टी का मतलब ही यही है कि पूरे दिन की थकान और टेंशन भूलकर शाम को सोडा पिए और हंसी मजाक करें। सही बात है। भाई अब्दुल, पोपटलाल के लिए सोडा बनाओ भाई। हाँ बनाता हूँ। थैंक यू बड़े। भाई मैंने तो सुना आज तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। झगड़ा हुआ था, मैं था सब और मिट भी गया। हाँ मतलब हम लोग का झगड़ा बिल्कुल सोडे की तरह था, जैसे ही बोतल खोली फस 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 सब बाहर आया, बाद में सब शांत हो गया। पोपट भाई ले लीजिए आपके लिए स्पेशल मांडोली सोडा। मांडोली समझौता, कॉम्प्रोमाइज यार, कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज सोडा। अरे पोपटलाल, तुमने वो बहुत सारे अखबारों में शादी के लिए विज्ञापन दिया था, कुछ रिस्पांस आया? नहीं मेहता साहब, कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक। चलो कोई बात नहीं, वैसे भगवान हर काम में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करता है। रिस्पांस नहीं आया, बहुत बढ़िया हो पोपटलाल, क्योंकि सुना है सरकार जो है वो शादी के ऊपर एक नया टैक्स लगा रही है, मैरिज टैक्स। क्या बात करें मेहता साहब। हाँ मैंने भी ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। अगर ऐसी कोई खबर हो तो पत्रकार होने के नाते सबसे पहले मुझे पता चलती है। देखो पोपटलाल, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सोर्सेस से मालूम पड़ती है, क्योंकि आज रात को 12 बजे से टैक्स लागू होने वाला है। मुझे तो दिल्ली में जो अपने सोर्सेस हैं उनसे पता चल गया, जब लागू होगा तब सबको खबर लग जाएगी, अखबार में भी तभी आएगा। ओ यारा, पर शादी पर टैक्स क्यों? भाई सोडी होना चाहिए, मैं सरकार के इस कदम का समर्थन करता हूँ। देखिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, हमारे देश में आजकल शादियों पे क्या होता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। वो तो है, लोग अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं। तो भाई सरकार का ये कहना है कि भाई अनाप शनाप पैसा इस तरह से खर्च नहीं होना चाहिए, फिर भी आप अगर करते इस तरह से पैसा खर्च तो कीजिए, लेकिन सरकार को टैक्स दीजिए। लेकिन मेहता साहब, इसमें पोपट भाई जैसे सीधे साधे आदमी का क्या कसूर है? अब्दुल, इसमें सीधे साधे या बदमाश की कोई बात ही नहीं है, कानून तो कानून है, नियम तो नियम है, सबको मानना पड़ेगा। हे भगवान, मुझे तो मेरी शादी धूमधाम से करनी है, कम से कम 10 लाख का खर्चा करना है। अगर 10 लाख खर्च हुआ तो 2 लाख तो टैक्स में ही चले जाएंगे। वैसे एक बात बताऊं भाई, इस टैक्स से हम सबका फायदा है। देखो भाई, इस टैक्स के डर से लोग शादियों में अनाप शनाप खर्चा नहीं करेंगे, खर्चा कम करेंगे, लेकिन जो लोग ज्यादा खर्च करेंगे उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो सरकार की आमदनी बढ़ेगी, सरकार की आमदनी बढ़ेगी तो देश का विकास होगा। कैंसल भाई, कैंसल। शाबाश पोपटलाल, शादी कैंसल है। चलो चलो। अरे ये भाई, क्या शादी कैंसल, ऐसा बकवास कानून कैंसल, ऐसे तो दूल्हे का दीवाना निकल जाएगा। एक तरफ सरकार कहती है कि दहेज मत लो और खुद दहेज लेती है। पोपटलाल ये तो टैक्स है ना। टैक्स नहीं, दहेज है, दहेज। मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, क्रांति करूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, सबकी दुनिया हिला दूंगा, लेकिन ऐसा जुल्मी कानून नहीं चलेगा। ओ पप्पू, कानून कानून होता है और सबको उसको मानना जरूरी है। सही बात है। और मत मानो ना भाई, जोर जबरदस्ती नहीं है पोपटलाल, सरकार ये थोड़ी करिए कि आप जबरदस्ती शादी करो ही। शादी करने तो हमारी अपनी इच्छा पे निर्भर करता है ना। अगर आपको टैक्स नहीं देना है तो शादी मत करो, कुंवारे रहो सारी उम्र। हाँ सही बात। क्या सही बात है आती भाई, क्या सही बात है, आप सबकी शादी हो गई तो सही बात है। आपको पता है ऐसे कानून से मुझे कितनी तकलीफ और खर्चा होगा? अरे भाई पोपटलाल भावुक मत हो, हम तो मजाक कर रहे थे। ऐसा कोई टैक्स है ही नहीं भैया मेरे। क्या हंस रहे हैं आप लोग? मेहता साहब कैसा मजाक कर रहे हैं आप लोग? आप जानते हैं कि मैं अपनी शादी को लेकर कितना भावुक हूँ,
मुझे अपने शादी के सिलसिले में किसी तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे पोपटलाल भाई तुम तो रूठ गए भाई। देखो हम सभी सोडा क्लास के स्टूडेंट्स कान पकड़ के आपको सॉरी बोलते हैं। सॉरी बैठ जाइए प्लीज। सॉरी बोलो भाई। सॉरी यार, सॉरी बोले यार, दोनों बोलना सॉरी। पहले आंख में यार, ये अच्छा है, पहले दिल दुखाओ और फिर सॉरी बोलो। ओ पप्पू यार, और दुखी मत हो, और रब करे तेरा बैंड जल्दी बजे। क्या मतलब? तेरा बैंड बजा भरा, शादी जल्दी हो। पोपटलाल लेकिन अपनी शादी में खाने का बंदोबस्त बढ़िया रखना। डॉक्टर आदि, यह मिस्टर कंजूस 1 रुपया बजाने के लिए मिस कॉल देता है, तो ये शादी में क्या खा खर्चा करेगा? अरे ये तो शादी में वो समोसा और वेफर ही देगा सबको। यार भाई ये तो अखबार भी सोसाइटी का पड़ता है। भेड़ा तो फिर अखबार के नाम पर मुझे तंज कस रहे हो। अरे पोपटलाल रहने दो, भेड़े का मंतव्य ये नहीं था, जनरली कहा था उसने ना भेड़ा। क्या जनरली होता है ऐसे? ओ पप्पू, ओ तेनु पता है ना, ओ शानदार वधिया शादी के लिए लाखों रुपया लगता है। जानता हूँ सोड़ी, जानता हूँ। बूंद बूंद से समंदर बनता है। मैंने पूरी जिंदगी 1-1 रुपया जोड़कर बचत करके पूरे 15 लाख रुपए जमा किए मेरी शादी के लिए। क्या 15 लाख रुपया? 15 लाख? और यही नहीं, अपनी होने वाली पत्नी के लिए 30 तोले सोने के गहने भी बनवा कर रखे हैं। 30 तोला सोना? क्या बोला? 30 तोला? हमें 30 तोला? 15 लाख? पोपट भाई आप मजाक कर रहे हो ना? मजाक नहीं अब्दुल मियां, मेरी सारी बचत मेरी शादी और मेरी होने वाली पत्नी के लिए है। मैं भले ही 1-1 रुपया बचाऊं, लेकिन शादी के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। आप सब देखिएगा, जब भी मेरी शादी होगी ना, धूमधाम से होगी, लाखों रुपए खर्चा करूंगा। ऐसी शादी होगी, ऐसी पार्टी होगी कि लोग कहेंगे कि शादी हो तो पोपटलाल की शादी जैसी, वरना ना हो। ओ पप्पू एक गल दस, इतने सारे रुपए तूने इकट्ठे कैसे किए भाई? कंजूसी से। कंजूसी? क्या? कंजूसी से। पता है मैंने अब तक फोन करने के बजाय मिस कॉल दे देकर 1,23,425 रुपए बचाए, और कई बार बस और रिक्शा में जाने के बजाय चलकर आया हूँ, इस वजह से 2,38,317 रुपए बचाए हैं। सही बात है भाई, चलने से सेहत अच्छी रहती है तो डॉक्टर के भी पैसे बचाए। हाँ बिल्कुल। और आप सब जो कपड़े और सामान बाजार से खरीदते हैं ना, वो सेम कपड़े और सामान मैं अलग अलग 10 बाजारों में घूम कर 50% डिस्काउंट पर ले आता हूँ। पता है आपको उसकी वजह से मेरे कितने पैसे बचे? 3,10,111 रुपए। और ऐसे कर करके मैंने 15 लाख रुपए जमा किए। पोपटलाल, ओ पोपू, तूने सच में 15 लाख रुपए जमा किए? बिल्कुल सोड़ी, एग्जैक्ट अमाउंट बताऊं, 15,26,340 रुपए। वाह 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 वाह, पोपटलाल को आज से कंजूस बोलना बंद बंद। पोपटलाल तुम तो बचत के मारत ही निकले भाई, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पोपटलाल तुमने साबित कर दिया कि बचत जीवन में कितनी आवश्यक है। महात्मा गांधी ने कहा था कि बचत हमारा भाई है, और तुमने बिल्कुल वैसा ही करके दिखाया भाई। इस बात के लिए पोपटलाल के लिए तालियां। क्या बात, थैंक यू। मैं तो कहता हूँ पोपटलाल की तुम्हारी जो जीवन शैली है ना, वो एक आदर्श जीवन शैली है। तुम तो हमारे लिए प्रेरणा हो, प्रेरणा। करेक्ट। कल से मैं भी पोपटलाल की तरह कंजूस बन जाऊंगा। नहीं नहीं भिड़े मास्टर, ऐसा नहीं होता है। जिस इंसान के स्वभाव में कंजूसी हो वो ही ऐसा कर सकता है। ओ हाँ जी, ओ मैं किसी को मिस कॉल नहीं दे सकता, और ना ही 10 मार्केट घूम सकता हूँ। मैं भी भैया पैदल पैदल नहीं जा सकता। भाई भिड़े, ये सब सुनकर तू मेरा मेंटेनेंस मत बढ़ा देना। मैं सिर्फ शादी और मेरी होने वाली पत्नी के लिए लाखों पति हूँ, वरना स्वभाव से तो मैं मिस कॉल देने वाला पोपटलाल ही हूँ। लेकिन कुछ भी कहो, जब भी पोपट भाई की शादी होगी बड़ा मजा आएगा। अरे भैया लेकिन होगी कब? मेहता साहब, इस बार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैंने हर मैरिज ब्यूरो और अलग अलग अखबारों में मेरी शादी का इश्तिहार दिया है, पर पता नहीं अभी तक कोई रिश्ता क्यों नहीं आया है। अरे ये तो अननोन नंबर है। पोपटलाल पक्का ये तुम्हारे रिश्ते के लिए फोन होगा। ओ स्पीकर पे रख, ओ हमको तेरी शादी की बात करनी है। हाँ हाँ
हाँ लेकिन सब शांति से सुनना भाई। तू चुप रहना भाई। हेलो, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हियर। गोल्डन को वापस ले लिया? गोल्डन क्रो है, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हियर। हाँ पोपटलाल जी, आपने अखबार में शादी का इश्तेहार दिया है ना? मैंने ही दिया। लगता है लड़की के पिताजी है। मेरा नाम वसंत है। अच्छा, पाइलागो पिता, पाइलागो वसंत जी। पोपटलाल जी, मैं एक गरीब इंसान हूँ, एक कंपनी में क्लर्क हूँ। बेचारा लड़की का बाप पहले से ही क्लियर कर रहा है, लड़का लालची हो तो पहले ही मना कर दे। अरे वसंत जी, रिश्तेदारी में अमीरी गरीबी ऐसा कुछ नहीं होता है, अमीर गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिश्ता बड़ा होता है, इंसानियत बड़ी होती है। आप बेझिझक होकर बात कीजिए। वाह 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 पोपटलाल जी, आप कितने समझदार हैं, आपके विचार कितने ऊंचे हैं, आपकी बातें सुनकर तो मुझे राहत मिल गई। हाँ मैं तो ये सोच रहा था कि शादी होगी भी या नहीं। होगी, बिल्कुल होगी। अरे समझ लीजिए, हो गई। वैसे नाम क्या है? पोपटलाल जी, नाम तो बताया ना मैंने, वसंत। नहीं नहीं, आपका नहीं, आपकी बेटी का। बेटी? अरे मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, मैं तो कुंवारा हूँ, बेटी कहाँ से आएगी? तो फिर आपने मुझे फोन क्यों किया है? वो क्या है ना पोपटलाल जी, मुझे भी शादी करनी है, पर मैं एक गरीब इंसान हूँ, इसलिए मैं आपकी तरह अखबारों में इश्तेहार नहीं दे सकता। आपकी एड देखकर तो आपको बहुत से रिश्ते आते होंगे, उसमें से कोई रिश्ते आप रिजेक्ट कर देते होंगे या लड़की वाले आपको रिजेक्ट कर दें, तो उस रिश्ते के बारे में आप मुझे जरूर बताइए, शायद वो रिश्ता मेरे भाग्य में हो। मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं अपना नाम, नंबर और एड्रेस SMS कर देता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? या मेरा रिश्ता नहीं हो रहा और तुम अपना नंबर लगा रहे हो? और तुम क्या बोले, तो लड़की वाले मुझे रिजेक्ट कर दे ऐसा? सॉरी पोपट भाई। अरे क्या सॉरी, खबरदार आगे से मुझे फोन किया तो फोन रखो। यानी कहां कहां से चले जाते? कमाल था बंदा, पप्पू को लड़की मिल नहीं रही है और वो बंदा कह रहा पप्पू मेरे को एक लड़की ढूंढ दे। फोन भी आया तो कैसे? दोनों बर्बाद हो गए, इससे तो अच्छा था कि मैं इश्तेहार ही नहीं देता। सुनिए सुनिए सुनिए, आज दोपहर को पोपट भाई के लिए एक रिश्ता आया था, लड़की के पिताजी लेके आए थे। अच्छा, की गल कर रहे हैं? क्या आज मेरे लिए रिश्ता आया था? अरे आज मेरा पप्पू की शादी। अरे एक मिनट भाई, क्या बधाई दो भाई, इतनी बड़ी बात तू मुझे अभी बता रहा? वो लड़की वालों ने किसी को भी बताने के लिए मना किया था। मैं आपको इतना उदास नहीं देख सकता था, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। अरे अब्दुल, वो तेरे अपने हैं कि मैं तेरा अपना हूँ? मैंने तुझसे कहा था ना कि उनको मान सम्मान के साथ मेरे घर पर ले आना। सॉरी, लेकिन उनको आपसे नहीं मिलना था, वो सोसाइटी में किसी और से मिलकर आपके बारे में जानना चाहते थे, इसलिए मैंने दया भाभी से मिलने के लिए कहा। लेकिन पोपट भाई, लड़की वाले बहुत बड़ी पार्टी है, अच्छी गाड़ी में आए थे। अरे अब्दुल, कैसी कार में आए ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए रिश्ता आया ये मेरे लिए बड़ी बात है। पर अब्दुल, तुमने मुझे नहीं बताया, लेकिन दया भाभी ने भी मुझे नहीं बताया कि मेरे लिए रिश्ता आया। दया भाभी ने मेरे साथ ऐसा किया? दया भाभी, अरे भाई, पर ये तो अंदर जाके दया भाभी का सर घुमा देगा। अभी हमें उसे संभालना पड़ेगा। चलो चलो जाओ, संभालो जल्दी, हम लोग क्लब हाउस जा रहे हैं कैरम खेलने। चलो 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 चलो, संभल के चलो। दया भाभी, ऐसा क्यों किया दया भाभी आपने मेरे साथ? क्या हुआ? आप जरा शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने मेरे साथ ऐसा किया। क्या हो गया पोपट भाई, ऐसा मैंने क्या कर दिया? दया भाभी, आज मेरे रिश्ते की बात करने लड़की वाले आपके घर आए थे। दया भाभी, आप मेरे लिए मेरी सगी बहन से बढ़कर है, मेरे लिए आप सब कुछ है, मेरे जीवन में गोकुल धाम का और खास कर उसमें आपका स्थान सबसे ऊंचा है, और आपने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई।
पोपट भाई मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुनूं दया भाभी, या मेरी पूरी दुनिया हिल गई है, या मैं रोज शादी शादी कर रहा हूँ, रोज इतने अलग अलग अखबारों में इश्तिहार दे रहा हूँ, और आज वही इश्तिहार पढ़कर कोई मुझे देखने आया और आपने मेरी शादी की बात ही मुझे नहीं बताई। चुप हो जा, पहले बहू की मजबूरी तो सुन ले। हाँ पोपट भाई, सही बात है भाई, पोपटलाल सुन तो लो। पोपट भाई आप मेरे लिए सुंदर हीरा जैसे ही हो। तो फिर लड़की वालों की बात मुझे क्यों नहीं बताई? पोपट भाई लड़की वालों की इच्छा थी कि जब तक ये बात रिश्ते की तरफ आगे ना बढ़े तब तक ये बात आपको या किसी और को भी हम ना बताए। अच्छा, ओहो ये बात थी, समझे पोपटलाल। हर बात के पीछे कोई वजह होती है, तुम यूं भड़कना शुरू कर देते हो। सही बात है पोपटलाल। हाँ पोपट भाई, ये बात आपसे छुपाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या करूं, मैं मजबूर थी। पोपट भाई उन्होंने हाथ जोड़ के बिनती की थी कि हम उनका भरोसा ना तोड़े, तो ऐसे में हम उनका भरोसा कैसे तोड़ सकते हैं? लेकिन मेरे भरोसे का क्या, मैंने इतने सालों से अपनी शादी के लिए आप सब पर जो भरोसा रखा है उसका क्या? ए डिब्बे मेरी बात सुन, सभी माँ बाप जब तक अपनी बेटी का रिश्ता लड़के के साथ पूरी तरह से तय नहीं कर देते तब तक सभी बातें सभी को नहीं बताते, समझा? हाँ पोपट भाई। हाँ पोपट भाई समझने की कोशिश कीजिए। अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, ढोल बजाकर सबको बताने थोड़ी जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है, यही होता है, ऐसा ही होता है पोपट भाई। सॉरी, लेकिन एक बात बता पोपट, तुझे ये बात पता कैसे चली? नहीं, हमने नहीं बोला है कुछ भी। अब बता के क्या फायदा, लड़की वाले मुझे देखने आए और मैं ही उन्हें नहीं मिल पाया। अरे तू मिला था। मैं कब? ए डिब्बे आज हमारे घर पे जो विश्वजीत जी आए थे वो मेरे दोस्त नहीं थे। हाँ? वही लड़की के पिताजी थे जो तेरी जानकारी लेने आए थे। क्या कर भला हो भला। चाचा जी भला करना चाहिए, लेकिन भला करने से भलाई होता है ये जरूरी नहीं है। देखो बेटा हमारा काम है भला करना, बाकी जो भाग्य में होता है वो मिलता है। कमाल है, एक तरफ आप कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है, और दूसरी ओर आप कहते हैं कि कर भला तो हो भला। भाई ये तो आप दो तरफा बात कर रहे हैं, कोई भी एक बात कीजिए। अरे नहीं नहीं पोपटलाल जी, मैं दो तरफा बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी सोच गलत है। मान लीजिए पूरे जीवन भर आपकी शादी हुई नहीं तो आप भलाई करनी छोड़ देंगे? क्या क्या कहा आपने कि जीवन भर मेरी शादी ना हो? चाचा जी ये आपके दोस्त है कि मेरे दुश्मन, मेरे लिए कैसे अशुभ अशुभ बातें सोच रहे हैं? भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। की गलती हो गई? क्या गलती करती पोपटलाल, क्या हुआ? अरे मैं विश्वजीत चाचा से शादी और भाग्य की बात को लेकर उलझ गया था। मेरे होने वाले ससुर मेरे सामने बैठे थे और मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। मैं बेवकूफ उनसे ही बहस कर बैठा, उनसे नाराज हो गया था। इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। पोपट भाई प्लीज अब टेंशन मत लीजिए। अरे कैसे टेंशन ना लूं दया भाभी, वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। शादी तय होने के पहले ही कैंसिल हो गई। दया भाभी आपने मुझे रोका क्यों नहीं? अरे बे कैसे रोकते तुझे, वो विश्वजीत जी सामने ही तो बैठे थे। पोपटलाल आखिर तुम्हारा नड़ने का स्वभाव ही तुम्हें नड़ गया। ओपो अब तो अपना स्वभाव बदल। वैसे मैंने उसी वक्त उनसे माफी मांग ली थी, एक बार और माफी मांग लेता उनसे। चाचा जी उनका फोन नंबर दीजिए ना, मैं अभी फोन करके उनको सॉरी बोल देता हूँ। आपके पास उनके घर का पता है ना, पता दीजिए, मैं घर जाकर उन्हें सॉरी बोलकर आता हूँ। अरे शांति रख भाई, मेरी बात जरा शांति से सुन। अगर उनको रिश्ता नहीं करना होगा तो उनका पता जान के या उनका फोन नंबर जान के कोई फायदा नहीं। लेकिन और अगर उनको रिश्ता करना ही होगा तो वो खुद यहाँ आ जाएंगे या खुद फोन करेंगे। क्या पता विश्वजीत चाचा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या फैसला होगा उनका, फोन करेंगे भी कि नहीं, मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। डैड आप आ गए, गोकुलधाम हुआ है? हाँ राजा, सोसाइटी तो बहुत अच्छी। और लड़का, लड़के के बारे में इंक्वायरी किया नहीं? अरे मैं तो उससे मिला भी। तो क्या लगता है आपको, हमारी मिंटी के लिए ठीक है या नहीं? अरे उतावले बताता हूँ, लेकिन ये बता मिंटी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। लो मिंटी भी आ गई, अब तो बता दीजिए अपनी राय। भाई मेरे हिसाब से तो लड़का परफेक्ट है, मैंने उसके बारे में पूरी जानकारी ली है, अकेला रहता है,
शादी को लेकर थोड़ा बेसब्रा है और इसी बात को लेकर इंसान के भाग्य और शादी को लेकर मेरी उससे थोड़ी बहस हो गई। बाद में उसने मुझसे माफी मांगी। बड़ा भोला और संस्कारी लड़का है। अरे वाह पिताजी, हमें ऐसे ही लड़का तो चाहिए था। क्यों मिंटी? अब जो फैसला कर। अरे लड़के के पड़ोसी दया बहन, उनके ससुर चंपक भाई और उनका पोता, क्या नाम था उसका, टप्पू, इन सब ने पोपटलाल जी की नहीं पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की बहुत तारीफ की। सभी बड़े भोले वाले सीधे साधे संस्कारी लोग हैं, बिना टेंशन के हंसी मजाक से जीने वाले लोग हैं। अरे वाह, तो फिर बात आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऐसे सीधे साधे हंसी मजाक करने वाले लोग मिलते कहाँ हैं। तो कल बात पक्की कर ले। अरे राजा बेटा, ऐसे जल्दबाजी में बात पक्की नहीं होती, हमें बड़े ध्यान से फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ाना होगा ताकि फिर बाद में हमें दुखी ना होना पड़े, मेरी इकलौती बेटी मिंटी को कोई परेशानी ना हो। हाँ भैया, रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और फिर पापा जो फैसला करेंगे वो सही ही होगा। भाई मुझे तो लड़का परफेक्ट लग रहा है, हमारी बेटी मिंटी पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देगा। उसे फोन लगाऊं या ना लगाऊं? चलो भाई अब घर चलते हैं, जो होना था वो तो हो गया। बहुत बड़ी गलती हो गई, जिस घर से डोली आने वाली थी उन्हीं के साथ बहस कर बैठा। ठीक है अभी, इसलिए पोपटलाल अपना स्वभाव बदलना बहुत जरूरी है। बदल दो। हेलो, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हियर। पोपटलाल जी, मैं विश्वजीत नायक बोल रहा हूँ। वो आज दया भाभी के घर पे आए थे वही ना? हाँ हाँ हाँ, पहला गु दया भाभी, विश्वजीत चाचा का फोन है। अरे वाह, पप्पू तू तो चाह गया उनको भा गया। शांति राख भाई, फोन चालू छे। नमस्ते चाचा जी, सबसे पहले मैं वो सुबह की बहस के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं पोपटलाल जी, वो बात तो मैं कब की भूल गया, मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात रहती है, कर भला तो हो भला। अभी हम आपके भले स्वभाव की बात कर रहे थे और हम लोग आपके बारे में बात कर रहे थे। अच्छा पोपटलाल जी, मैंने आपको पहले बताया नहीं, मैं खुद एक लड़की का बाप हूँ और उसके रिश्ते के लिए मैं आपको देखने आया था। एक मिनट, मुझसे रिश्ते की बात कर रहे हैं? उन्हें पता नहीं है कि मुझे पता चल चुका है? तो पोपटलाल जी, मैं अपनी बेटी सपना का रिश्ता आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन क्या है, उससे पहले मैं आपको अपने परिवार वालों से मिलवाना चाहता हूँ। देखो पोपटलाल जी, जमाना बदल गया है, मुझे तो आप अच्छे लगे लेकिन आप मेरी बेटी को भी पसंद आने चाहिए ना। तो आप अपनी बेटी को लेकर अभी आ जाइए गोकुलधाम सोसाइटी। अभी नहीं नहीं, अभी नहीं, और वैसे भी मैंने तो आपकी सोसाइटी देख ली है ना, जांच परख भी ली है। अब आपकी बारी है, आप हमारे घर आइए। हमारा घर यहाँ वर्सोवा में ही है। तो कल शाम को 4 बजे आप आ सकते हैं? क्यों 4 बजे, क्यों, हम कल सुबह ही आ जाते हैं ना। आप बहुत मजाक किया है, मैं आपको एड्रेस मैसेज कर देता हूँ, तो हम कल शाम को 4 बजे मिलते हैं। थैंक यू, एडवांस में वेलकम, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। विश्वजीत चाचा को मैं पसंद आ गया हूँ, कल 4 बजे उनकी बेटी को मिलने जाना है। अब खुश दया भाभी, चाचा जी अब आपको ही मेरे रिश्ते की पूरी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। पोपट भाई क्यों नहीं, ऑल द बेस्ट पोपट मैन, और भाई सिर्फ ऑल द बेस्ट से काम नहीं चलेगा, कल सबको मेरे साथ आना पड़ेगा। भाई छुट्टी ले लो और सोड़ी तू 2-3 गाड़ियां बुक करवा दे सबके लिए। करा देते हैं यार, देखो शादी ब्याह का मामला है, लड़की देखनी है, चाचा जी है इतने अनुभवी है, इन्हें सब पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे चाचा जी कहेंगे वैसे ही करेंगे। ए भाई पोपट, कल हमें सिर्फ लड़की को देखने जाना है, उसके लिए पूरी भारत लेकर जाने की जरूरत नहीं है। फिर मेरे हिसाब से तो 4-5 लोगों से ज्यादा लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। सही बात है, हम लोग पूरी पलटन लेके जाएंगे तो लड़की वाले घबरा जाएंगे। हाँ सोचेंगे कि लड़की देखने इतने लोग आए तो बारात में कितने आएंगे। बराबर, अब दया भाभी और बबीता जी आप लोग जाइए, हम सब यहाँ रहेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, ओके, परफेक्ट।
हाँ लेकिन चाचा जी आपको तो आना ही पड़ेगा। अरे हाँ हाँ मैं तो आऊंगा ही। और भिड़े तू हमारे साथ आ जा। जी चाचा जी। वाह 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 भैया। बस तो ये तय रहा, कल दया भाभी, बबीता जी, चाचा जी, भिड़े और सोड़ी लड़की वालों के घर जाएंगे। अब पप्पो तू भी चल, बड़ा मजा आएगा। और कल मेरी गड्डी रेडी रहेगी सबको ले जाने के लिए। कहाँ जा रहे? पिकनिक जा रहे क्या? नहीं नहीं दिक्का, ये आपके पोपट अंकल है ना, उनके लिए आंटी देखने जा रहे हैं। समझ गया मम्मी, वो विश्वजीत अंकल के घर जाना है ना। वाव दैट्स सच अ गुड न्यूज। थैंक यू फिर तो और मजा आएगा। अबे खाना भी होगा ना। अरे यार अरे वाव पोपट अंकल उनके घर पे लड़की के बारे में, उनके परिवार के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद ही बात आगे बढ़ाएंगे। हाँ पप्पू, और तू अपना स्वभाव संभालना, हमेशा की तरह गड़बड़ मत करना। नहीं नहीं सोड़ी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा मन कह रहा है इस बार मुझे लड़की पसंद आ ही जाएगी। हाँ इसकी तो पहली हाँ हो गई। लगता है एड्रेस का मैसेज भी आ गया। आ गया आ गया, मैसेज आ गया। जितना मैं लड़की वालों से मिलने के लिए उत्साहित हूँ, उतना ही लड़की वाले भी मुझसे मिलने के लिए उत्साहित हैं। पापा मैं कल 4 बजे रेडी हो जाऊंगी। पोपटलाल जी बड़े ही संस्कारी और सीधे साधे इंसान है। हमारी मिंटी बड़ी भाग्यशाली है कि उसका रिश्ता पोपटलाल जी से होगा। सिर्फ मैं नहीं, आप दोनों भी भाग्यशाली हैं कि आपको पोपटलाल जी जैसा दामाद मिलेगा। पर ये पोपटलाल उतना भाग्यशाली नहीं है, बेचारा भोला वाला हिरण है जो हमारे जाल में फंस गया। बहुत तगड़ा शिकार है, 15 लाख का बैंक बैलेंस, लाखों के गहने, अपना घर। पोपटलाल तू हमारा दामाद नहीं, तू हमारा शिकार बनेगा। तू तो गया। वाह क्या निशाना लगाया सीधा पोपटलाल के दिल पर। वाह रंजीत। रंजीत नहीं विश्वजीत, विश्वजीत कहो। गलती से भी उनके सामने रंजीत मत कहना, पकड़े जाएंगे। बहुत मोटा शिकार है, हाथ से छूटना नहीं चाहिए। बेचारा पोपटलाल शादी के झूठे सपने देख रहा होगा, शादी के लिए बावरा हो रहा है वो बावरा। और ऐसे बावरे लोग ही तो हमारा शिकार बनते हैं। और पोपटलाल तो हमारा बहुत ही स्पेशल शिकार है, क्योंकि वो हमारा 50वां शिकार है। मुंबई में हमारा पहला शिकार। मुंबई जैसे बड़े शहर में अगर शिकार को लूटना हो तो बड़ा हाथी मारना पड़ता है। ये शिकार भी बड़ा ही है, 15 लाख का बैंक बैलेंस, खुद का घर, लाखों के गहने। सब लूट लेंगे। बेचारे पोपटलाल ने तो ये सपने भी नहीं सोचा होगा कि हम शादी के लिए मचलते दूल्हों से मिंटी का झूठा रिश्ता कराकर उन्हें लूट कर दूसरे शहर गायब हो जाते हैं। हाँ हर शहर में हमने नादान दूल्हों को लूटा है, फिर वो दूल्हा चाहे चेन्नई का हो। आपको शादी का सपना देखा कि आपको छोड़ के चला गया अब्बा, क्या करेगा अब्बा? हमारा सारा पैसा लूट के चले गए, हम उसको छोड़ेगा नहीं। अब्बा हमको छोड़ के चला गया उसका अब्बा। फिर चाहे वो दूल्हा कोलकाता का। मेरा साथ चीटिंग हुआ, चीटिंग अगर की करबो, ओ हमार बहु चिलो ना, फ्रॉड चिलो फ्रॉड, मेरा पैसा के साथ था, मेरे गाड़ी भी लेके चले गए। फिर चाहे वो दूल्हा इलाहाबाद का हो। हमने शादी भी नहीं किया और पैसा भी लूट कर चले गए।
और ये घर गिरवी रखवा कर वो पैसा भी लूट कर चले गए। या फिर पंजाब का? और मैंने बर्बाद करके चली गई यार, मेरा घर, मेरा खेत, मेरा पेट्रोल पंप सब बिकवा दिया है यार। फिर चाहे अहमदाबाद का? मोटी बहन मने तो ही छोड़ी गई, बर्बाद करी गई। इन्हें वो पाताल माथी पन शोधी काटीस, पन इन्हें वो छोड़ीस नहीं। भारत के सभी बड़े शहरों के दुल्हों को लूटा है हमने, और ऐसे बेवकूफों को ना दुल्हन मिलती है और ना लुटाए गए पैसे और गहने। मेरे जीवन का एक ही सूत्र है, कर बुरा तो हो भला। ये जमाना ही है खलनायक बन के ऐश करने का, राम नाम जपना, पराया माल अपना। पोपटलाल हमारा मोडस ऑपरेंडी है। फर्स्ट स्टेप, पहले शिकार ढूंढो, कौन शादी के लिए बेचैन हो रहा है। सेकंड स्टेप, शिकार की धन कुंडली निकालो, किसके पास कितना माल है। थर्ड स्टेप, उस शिकार से रिश्ते के बाद आगे बढ़ाओ। फोर्थ स्टेप, शिकार को इंप्रेस करके उससे शगुन मंगनी कर दो। स्टेप नंबर फाइव, लड़की से जितना हो सके उतना माल लूट कर शहर से रफू चक्कर हो जाओ, और फिर दूसरे शहर में जाके नया शिकार ढूंढो। इतना बड़ा देश है, इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे शहर हैं, कोई हमें पकड़ नहीं पाता। और मुंबई शहर में हमारा शिकार है पत्रकार पोपटलाल। लेकिन रंजीत, हमें ये सब जल्दी खत्म करना पड़ेगा। ये वर्सोवा के बंगलों का रेंट, गाड़ी का रेंट, रहन सहन का खर्चा, ये सब बहुत महंगा पड़ रहा है यार। ये पोपटलाल ना मुझे बड़ा ही आसान शिकार लगता है। पोपटलाल चाहे आसान शिकार हो, पर हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस पोपटलाल के साथ पूरी गोकुलधाम सोसाइटी वाले हैं, और ये सोसाइटी वाले एक दूसरे की बहुत चिंता करते हैं। हो सकता है कल पोपटलाल के साथ पूरी सोसाइटी यहाँ आ जाए। रंजीत इज राइट, वी विल हैव टू बी वेरी केयरफुल गाइस। देखो, हमें सबके सामने ही नहीं, हम जब अकेले हैं तब भी जितना ज्यादा हो सके अपने इस झूठे कैरेक्टर में ही रहना है, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। या राइट जी पापा। पोपटलाल, ये तीन की तिकड़ी तुझे रास्ते पे ले आएगी, कल तैयार रहना हमारे जाल में और ज्यादा फंसने के लिए। ए घर, ओ मेरे प्यारे घर, सुन, अब तुझे इस घर में सुना सुना नहीं लगेगा। कल मैं तुम्हारी मालकिन को देखने जा रहा हूँ। भाई ससुर जी को तो मैं पसंद आ गया हूँ, बस उनकी बेटी को पसंद आ जाऊं। आ जाऊंगा ना? क्या आ जाऊंगा? थैंक यू। बस फिर तो बहुत जल्द मेरे सपनों की रानी सपना इस घर में आ जाएगी, फिर इस घर में भी पायल खनकेगी, खन 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 खन। किचन में बर्तन टकराएंगे, टड़ंग 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 टड़ंग, और कुकर की सीटी बजेगी, मैं कहूंगा अजी सुनती हो खाना तैयार है। पोपटलाल पोपटलाल पोपटलाल। बहुत जल्द मेरी जिंदगी बदलने वाली है। सो क्या रहे हो, उठ जाओ पोपटलाल, तैयार हो जाओ, कल सुबह का सूरज मेरे लिए बहुत सारी खुशियां लाने वाला है। कल का दिन मेरे लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, अपनी प्लानिंग में किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पोपटलाल हमारा 50वां शिकार है, कम से कम 25-30 लाख रुपए तो हैं उसके पास। We have to be very careful, guys. अरे आने दो उस पोपटलाल और वो गोकुलधाम वासियों को, ऐसा इंप्रेस करेंगे कि वो कभी हम पर शक नहीं कर पाएंगे। अरे राजा बेटा, एक बार ये पोपटलाल और मिंटी का रिश्ता तय हो जाने दे, फिर देख पोपटलाल हमारे पिंजरे में फंस जाए। बट रंजीत, प्रॉब्लम्स हैं यार। प्रॉब्लम है? अरे इतनी परफेक्ट प्लानिंग की है मैंने, उसमें क्या प्रॉब्लम लग रही है तुम्हें? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर वन, अगर मैं पोपटलाल को पसंद नहीं आई तो। सेकंड, पोपटलाल को पसंद आई लेकिन गोकुलधाम वासियों को पसंद नहीं आई तो। थर्ड, उसने पेपर में इश्तेहार दिया है, अगर हमसे पहले वहां कोई रिश्ता लेके पहुंच गया और वो रिश्ता तय हो गया, देन मिंटी की बात में दम है। क्या सोच रहे रंजीत? मिंटी, तुम्हारी सोची हर प्रॉब्लम का जवाब है मेरे पास। हमें पोपटलाल को लूटना है, और वो तुम्हारे साथ ही अपना रिश्ता तय करे, ऐसा जाल मैंने बुन लिया है। कैसा जाल? कर बुरा तो हो भला। पोपटलाल और गोकुलधाम वाले 4 बजे आने वाले हैं। राइट। उनके आने से पहले हम ऐसा जाल बिछाएंगे कि पोपटलाल
मिंटी के साथ ही अपना रिश्ता तय करेगा। ऐसा क्या करोगे रंजीत? फॉर्मूला नंबर 15, शिकार की सोच पर वार करो। इस पोपट लाल की कुंडली मैं अच्छी तरह से जानता हूं, ज्योतिष विद्या में बहुत विश्वास है इसे। मिंटी एक काम करो, पोपट लाल को फोन लगाओ। नहीं, क्या करूं, क्या कपड़े पहनूं आज? अगर सपना को मेरे कपड़े पसंद नहीं आए और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? ये लड़की को देखने जाना होता है ना तो बहुत टेंशन होता है। ये भगवान आज सब कुछ ठीक कर देना, बस आज का दिन मेरे लिए अच्छा हो। हेलो, हेलो मिस्टर पोपटलाल। नो, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। कंग्रेचुलेशन सर, आज आपका बहुत ही अच्छा दिन है। हमारी कंपनी ने देश के लाखों कुआरों के लिए एक लकी ड्रॉ निकाला था और वो आप जीत गए हैं। लेकिन मैंने तो ऐसे किसी लकी ड्रॉ में हिस्सा नहीं लिया। सर, एक्चुअली हमारी कंपनी के पास देश के सभी कुआरों का डेटाबेस है और हमने उसी में एक लकी ड्रॉ निकाला था और उसमें आपका नाम निकला है। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। लगता है आज अच्छा दिन है। अच्छा, क्या जीता है मैंने? बहुत ही स्पेशल इनाम है। एक्चुअली हमारी कंपनी चाहती है कि देश का कोई भी लड़का कुआरा ना रहे। वाह वाह वाह, ये तो बहुत उम्दा विचार है आप लोगों का। जी, इसीलिए हमारी कंपनी ने सारे कुआरों के लिए एक बहुत ही ज्ञानी सिद्ध प्राप्त ज्योतिष अपॉइंट किए हैं और उनका नाम है फ्यूचर बाबा। फ्यूचर बाबा? जी, ये आपको आपका फ्यूचर बताएंगे, आपका दिन कैसा जाएगा, आपकी शादी होगी कि नहीं, कोई बाधा हो तो उसे भी टाल देंगे और आपकी सारी समस्याओं का हल है हमारे फ्यूचर बाबा के पास। वाह 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 वाह, बहुत सही वक्त पर आपने फोन किया है। आज ही मैं अपने रिश्ते के लिए एक लड़की देखने जा रहा हूँ, उसको लेकर मेरे मन में बहुत सारे सवाल है। जी, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमारे फ्यूचर बाबा आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। अच्छा, वो भी बिल्कुल फ्री में। अरे, ये तो और भी अच्छा है। कहाँ मिलेंगे आपके फ्यूचर बाबा? जी, मैं आपको अभी एड्रेस देती हूँ। सेम एड्रेस। हाँ जी, मिस्टर नटवरलाल रोड, जाल होटल, रूम नंबर 420 में मिलेंगे हमारे सिद्धि प्राप्त फ्यूचर बाबा। अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा, फ्यूचर बाबा को मैं किस वक्त मिलने आ सकता हूँ? जी आप 10 बजे से लेके शाम 7 बजे तक कभी भी आ सकते हैं। अच्छा, फिर तो मैं अभी आ जाता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। ओके बाय। आ रहा है मिस्टर पोपटलाल। आने दो पोपटलाल को आने दो। अब आजमाएंगे फॉर्मूला नंबर 17। मैं बन जाऊंगा सिद्धि प्राप्त गुरु फ्यूचर बाबा। महाराज की जय हो। कल्याण हो, कर बुरा तो होगा भला। बालिके, अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ, तुम्हारा भविष्य उत्तम है, तुम्हारे भाग्य में धन योग है, लाखों कमाने का रोकड़ा योग है। Yes, yes. और मेरे भाग्य में तो चुप कर, महाराज की जय हो। कल्याण हो। आजा आजा पोपटलाल, अब कोई बाधा नहीं है। क्या पोपटलाल, अरे इतना जल्दी तैयार हो गए? 4 बजे जाना है ना? नहीं नहीं, वो क्या? नहीं जाना है? क्यों, क्या हो गया? क्या हुआ पोपटलाल, लड़की देखने जाने का प्रोग्राम कैंसिल हुआ क्या? अरे आदि भाई, शुभ शुभ बोलिए, मैं बाहर किसी और काम से जा रहा हूँ अभी। किस काम से जा रहे हो? क्या करूँ, इन्हें बताऊँ कि मैं जोशी को मिलने जा रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, फिर और बहुत सारे सवाल पूछेंगे। किस सोच में पड़ गए पोपटलाल? यही कि आपको क्या बताऊँ, मतलब क्या बताऊँ आपको, तो अचानक एक काम याद आ गया प्रेस का, यही पास में जाना है, बस अभी जाकर आता हूँ। क्या बबरदल, आज भी काम, जल्दी जाके आ जाओ, लेट हो गए तो लड़की वालों को लगेगा कि लड़के को टाइम का वैल्यू नहीं है और वो मना कर देंगे। सही बात है। नहीं नहीं, मैं बस यूं गया और यूं आया। आता हूँ। जल्दी आना पोपटलाल।
कैसा लग रहा हूँ? लग रहा हूँ ना सिद्धि प्राप्त महाराज। और मैं कैसा लग रहा हूँ? तू बिल्कुल ठीक लग रहा है। और आप इतने परफेक्ट लग रहे हैं कि आपसे वरदान मांगने का मन कर रहा है। कन्या, आज हम तुम्हें ऐसा वरदान में देंगे जो तुम पर लाखों रुपए लुटाएगा। धन्यवाद महाराज। अच्छा मिंटी, अब तुम्हें छुप जाना चाहिए, तुम्हें पोपटलाल के सामने नहीं आना है। ओके 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 रंजीत, सॉरी फ्यूचर बाबा। कल्याण, अरे कल्याण डोमी वाली थाने बाद में करना, शिकार कभी भी आ सकता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। फ्यूचर बाबा महाराज की अपरंपार महिमा, महाराज आपने कल्याण कर दिया महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। फ्यूचर बाबा की महिमा अपरंपार है, इनके चरणों में सारा संसार है। महाराज की जय हो। महाराज आपकी भविष्यवाणी सच हुई, मेरी शादी हो गई महाराज, मेरी शादी हो गई, धन्य है धन्य है। विवाह विशेषज्ञ विद्वान फ्यूचर बाबा, 100% सच्चा भविष्य बताने वाले फ्यूचर बाबा, लगता है बहुत सही जगह आए हो। महाराज कहाँ कहाँ नहीं भटका महाराज, कभी लंदन, कभी अमेरिका, कभी अफ्रीका, लेकिन आपने कहा मामा के घर जा, शादी हो जाएगी। और महाराज 2 दिन में शादी हो गई महाराज, धन्य है महाराज। महाराज बड़ी सुंदर सुशील और गुणवान पत्नी मिली है महाराज, गुणवान। महाराज मना मत कीजिएगा महाराज, ये तुच्छ सी भेंट महाराज, तुच्छ सी भेंट, 10,000 रुपए ले लीजिए। माया का हमारे पास क्या काम, समूह विवाह में दान कर देना। जा स्टेशन चला जा, तेरे सास ससुर की ट्रेन आ गई। आपको कैसे पता महाराज? ऊपर वाले की कृपा है पुत्र, जा। महाराज आप बहान है महाराज, आपकी महिमा अपरंपार है महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। शादी मुबारक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू महाराज। महाराज की जय हो महाराज, मेरा भी थोड़ा कल्याण कर दीजिए। आओ पुत्र पोपटलाल, आप मेरा नाम जानते हैं? सिर्फ नाम ही नहीं, हम तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तुम्हारे भाग्य में पड़ोसियों का प्रेम तो है, किंतु परिवार का सुख नहीं है। पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हो और यहाँ अपने विवाह के संबंध में सवाल लेकर आए हो। हम तो ये भी जानते हैं पुत्र कि तुमने अपने विवाह हेतु लाखों की पूंजी जमा कर रखी है। महाराज, महाराज आप तो सच में सिद्धि प्राप्त गुरु है, मेरी बरसों से शादी तय नहीं हो रही है। जानता हूँ पुत्र, किंतु आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत शुभ है, क्योंकि आज तुम एक सुशील कन्या को देखने जा रहे हो। जा रहे हो ना? महाराज मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, एक बार मुझे आपके चरण स्पर्श करने दीजिए महाराज। महाराज आप अंतर्यामी है महाराज, महाराज आप अंतर्यामी है महाराज, महाराज आप अंतर्यामी है। आजा मेरी शरण में आजा पोपटलाल। महाराज महाराज आप जैसे सिद्धि प्राप्त बाबा मैंने आज तक नहीं देखे। मैं आज जिस लड़की को देखने जा रहा हूँ उससे मेरी शादी तो होगी ना? अवश्य होगी, तुम्हारी लग्न कुंडली में विवाह दोष है, शादी का योग है किंतु देरी से। तो आज जो गुणवंती कन्या तुम देखने जा रहे हो वो तुम्हारे सारे दोष दूर कर देगी, तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सच? हाँ पुत्र, मेरा ज्ञान कह रहा है कि इस रिश्ते से तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, इसलिए इस रिश्ते को तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए। जरूर जरूर महाराज जरूर। एक्सक्यूज मी महाराज। हेलो, यस, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल स्पीकिंग। क्या आपने भी अखबार में मेरी शादी का इश्तेहार पढ़ा है? एक मिनट महाराज, अभी तो आपके दर्शन भी नहीं हुए कि एक और रिश्ता आ गया। मना कर दो। कट गया? मेरा ज्ञान कह रहा है कि ये रिश्ता तुम्हारे लायक नहीं है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा रिश्ता जिस लड़की के साथ होगा उसका नाम कुंभ राशि से, मतलब सा से शुरू होगा, और आज 4 और 6 के बीच में शुभ योग है। वाह 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 महाराज, मैं आज शाम को 4 से 6 के बीच में वर्सोवा में एक लड़की को देखने जा रहा हूँ और उसका नाम सपना, मतलब कुंभ राशि।
क्या हुआ महाराज? एक बात का ध्यान रखना पुत्र। क्या? इस रिश्ते में रुकावटें पैदा हो सकती हैं, मन में शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिन्हें अपना समझते हो उन असमझी में तुम्हें गुमराह कर सकते हैं। महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कौन करेगा मुझे गुमराह? हो सकता है तुम्हारे साथ जो रिश्ता देखने जाने वाले हैं वो ऐसा क्यों करेंगे? वो सब तो मेरे अपने हैं, गोकुल धाम वाले। वो कभी मुझे गुमराह नहीं करेंगे, हमेशा सही रास्ता दिखाएंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु एक बात तय है, आज तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, उत्तम धर्म पत्नी मिलने वाली है तुम्हें। थैंक यू महाराज, थैंक यू महाराज। आपकी दक्षिणा मंगलचिन्ह। मैं ज्योतिष ज्ञान बेचता नहीं हूँ पुत्र, ये पैसे समूह विवाह में दान कर दो। अनाथ आश्रम में दान कर देना। ठीक है महाराज, मैं अनाथ आश्रम में दान कर दूंगा। महाराज आप जैसे उत्तम विचार वाले संत महात्मा दुर्लभ है, मैं तो कहता हूँ आप ही मेरी शादी करवाइएगा। असंभव है, क्योंकि हम आज ही हरिद्वार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कल्याण भाव, अब कल्याण तो हमारा होगा तुम्हारे पैसे से। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। फ्यूचर बाबा की जय हो, फ्यूचर बाबा की जय हो, फ्यूचर बाबा की जय हो, फ्यूचर बाबा की जय हो। वाह वाह महाराज, क्या एक्टिंग की है। इतना भोला है ना? भोला है तभी तो हमारे जाल में फंस गया। अब पोपटलाल इस शादी के लिए मना नहीं करेगा, अब चाहे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी उसके साथ आ जाए, पर पोपट को लुटने से कोई नहीं बचा सकता। यस। क्या हुआ, आज बाकी सारी भाभियां कहाँ हैं? छुट्टी में घूमने गई हैं क्या? अरे सुनीता सब नहीं गई हैं, सिर्फ माधवी भाभी गई हैं चिपलून। हाँ। बाकी सब यही है। हाँ। ओ दया भाभी, बबीता जी। बोलो सुनीता। हाय सुनीता, बोलो। बबीता जी सब्जियां नहीं लेनी क्या? और दया भाभी आज आपका उपवास है क्या? नहीं नहीं उपवास नहीं है, वो क्या है, अब एक जरूरी काम से हमें बाहर जाना है। हाँ आज हमारे पोपट भाई के लिए लड़की देखने जाना है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। हाँ, इसलिए हमें घर के सारे काम निपटा के खुद भी तैयार होना है, और लड़की को क्या सवाल पूछना है ना, उसकी भी तैयारी करनी है। अरे लो पोपटलाल भाई आ गए। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। हाँ पोपट भाई। गुड मॉर्निंग पोपट भाई। गुड मॉर्निंग। मुबारक हो पोपट भाई। ओहो तुम्हें भी पता चल गया। हाँ। सुनीता शादी में मैं सारी सब्जी तुमसे ही खरीदने वाला हूँ, तो तैयारी रखना। हा? हाँ हाँ पोपट भाई बिल्कुल। वैसे पोपटलाल भाई आज आप एकदम जच रहे हैं और खुश भी लग रहे हो, टचवुड। अरे क्या बताऊँ कमल भाभी, आज का दिन बहुत शुभ है। मैं अभी अभी विवाह स्पेशलिस्ट सिद्धि बाबा से मिलकर आ रहा हूँ, और उन्होंने मुझे कहा है कि आज जिस लड़की को मैं मिलने जा रहा हूँ वो लड़की मुझे पसंद कर ही लेगी, उसी के साथ मेरा रिश्ता जुड़ेगा और वो मेरे लिए बहुत भाग्यशाली होगी। ओ, क्या बात है पोपट भाई, ये बात जरा अंधविश्वास जैसी नहीं है। अरे अंजलि भाभी ये सब बातें ऐसी है कि मानो तो विश्वास, नहीं तो अंधविश्वास। That's a good philosophy. और क्या है ना, अगर मेरी शादी होती हो तो मुझे हर बात में विश्वास है। हाँ, वो तो हमें पता है, एकदम पॉजिटिव थिंकिंग है पोपट भाई। अच्छा रोशन भाभी, आपने सोड़ी को बोल दिया ना कि गाड़ी लेकर आ जाए? डोंट वरी पोपट भाई, मैं रोशन ने टन टन टाइम फोन कहीं ना कहीं दीदूस के 3 बजे सोसाइटी कंपाउंड में गाड़ी लेके पहुंच जाना, लेट मत होना। अच्छा किया, क्या है ना आज टाइम पर निकलना पड़ेगा, नहीं रास्ते में ट्रैफिक मिला, गाड़ी पंक्चर होगी तो नहीं चलेगा। आज क्या है 4 से 6 का मुहूर्त शुभ मुहूर्त है। बबीता जी दया भाभी, 4 से 6 बजे का आज लेट होंगे तो नहीं चलेगा। पोपट भाई भगवान का नाम लेके श्री गणेश कीजिए, सब ठीक ही होगा, और वैसे भी 4 बजने में अभी बहुत टाइम है। चलिए मैं भी तैयार हो जाता हूँ, आज सबसे ज्यादा वक्त मुझे लगने वाला है तैयार होने में। बाय 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 बाय। 3 बज गए, सारी तैयारी हो गई है ना? हाँ हाँ बाबूजी, सारी तैयारी कर ली है। अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं ना, तो लड़की के हाथों में देने के लिए शगुन के पैसे भी ले लिए हैं। हाँ ये तूने बहुत अच्छा किया।
अच्छा बहू, हमें पोपटलाल का रिश्ता जोड़ना है, हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी बापू जी, पोपट भाई ने सारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ी है, हमें उनके भरोसे पे खरा उतरना है। हाँ, वरना शादी के बाद कुछ गड़बड़ हुई तो पोपट आके हमारा गला पकड़ेगा। बापू जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। लगता है सोड़ी भाई आ गए। बाबूजी चलिए जल्दी नीचे जाते हैं। हाँ जल्दी उतरते हैं वरना लेट हो जाएंगे तो पोपट उसमें भी उछल कूद करेगा। चल 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 पोपट भाई बहुत उत्साही है। हाँ। हाँ। लशन डालिंग बहुत जानेमान, वो अभी आ जाते हैं ऊपर, दो मिनट में आएंगे। सी यू, लव यू। चाचा जी मैं मुंह से हॉर्न नहीं बजा रहा हूँ अभी ऊपर जाता हूँ और ये पप्पू को उठा के लेके आता हूँ। गीला पोपट। वेल आई एम श्योर कि पोपट भाई अभी तक तैयार ही हो रहे होंगे। लेकिन बबीता जी इतना भी क्या तैयार होना, आज शादी थोड़ी है, सिर्फ लड़की देखने जाना है। हाँ मेरे भाई, पर पोपट भाई के लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है। राइट। अच्छा सब लोग मेरी बात सुनो, ये पोपट शादी के उत्साह में है, वहाँ कुछ गड़बड़ ना कर दे, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। चाची जी पोपू तो ऊपर है ही नहीं, कान में ताला लगा है। हाय ताला। हाँ ताला, तो कहाँ गया? मैंने नहीं पता। पोपट भाई ने खुद कहा था 4 से 6 के बीच का ही मुहूर्त शुभ है। हाँ। वो क्या होगा? अरे देवा, कहीं वो उत्साही लड़कियों के घर अकेला तो नहीं पहुँच गया? नहीं 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 नहीं, पोपट भाई ऐसा नहीं कर सकते। अरे तो गया कहाँ वो? कुछ जाना है पोपटलाल भाई। एन वक्त पे कहाँ चले गए पोपट भाई? मैं फिर से फोन ट्राई करता हूँ। पप्पू लगा रहा हूँ मैं फोन, अभी क्यों बोलते थे? पोपट भाई ये रहे। वो ये उठे कितने मल्ला का माई आन दे। ये कहाँ चला गया था डिपे? हाँ सबको कितना टेंशन हो गया था। वो मैं मंदिर गया था, दरअसल मैं कंपाउंड में सबसे पहले पहुंचा था और आप कोई आए नहीं थे, तो मैंने सोचा तब तक मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद ले लेता हूँ। भगवान करे भगवान अबकी बार इसके सुन ले। हाँ चलो अभी चले, रास्ते में अगर ट्रैफिक मिला तो पहुंचते पहुंचते लेट हो जाएगा। ना पढ़ो और ट्रैफिक की टेंशन क्यों ले रहा है, और गड्डी चलेगी नहीं और उड़ेगी। हाय हाय धीरे आ। अरे भाई गाड़ी उड़ाना नहीं है, शांति से चलाना। हाँ चाचा जी तुझे फिक्र ना करो। चलो, 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 एक मिनट एक मिनट चाचा जी। हाँ, चाचा जी आशीर्वाद दीजिए। अरे हाँ चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। चल 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 चलो चलो चल भाई, शादी होगी तेरी। थैंक यू राशन भाई। बोला गणपति बाप्पा। चलो जल्दी करो, वो उत्साही पोपटलाल दया बहन और सबके साथ यहाँ आने के लिए निकल गया होगा। 4 बजने वाले हैं। मिंटी कितनी देर? आई एम रेडी। अब देखना मैं पोपटलाल को अपने जाल में ऐसा फंसाऊंगी कि वो खुद कहेगा कि शादी करूंगा तो मिंटी से करूंगा, वरना पूरी जिंदगी कुआरा रहूंगा। 15 लाख रोकड़ा, लाखों के गहने और मुंबई में खुद का घर। जी ये तो बहुत बड़ा शिकार है। अरे पोपटलाल का होगा बुरा तो होगा ना हमारा भला। आज तो बात पक्की कर ही देते हैं, इसे हमेशा बात पक्की करने की जल्दी रहती है। शांति रख वरना हमारा पकड़ा जाना पक्का हो जाएगा। यहाँ पैसे कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, भरी जवारी में बुड्ढा बन के रहना पड़ रहा है। अरे ये तो 4 बजते ही आ गए। कोई बात नहीं मिंडी, अपनी जगह पे जाओ। राजा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट गाइस। ऑल द बेस्ट। पोपटलाल अब तुम हमारे पिंजरे में कैद हो गए और अपना सारा माल इस पिंजरे में छोड़ कर जाओगे। कर बुरा तो होगा भला।
क्या बात है। अरे पप्पू उस लड़की वालों का बंगला तो देख। वाह 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 पप्पू क्या शानदार बढ़िया मस्त बंगलो है और यहीं पे हम लोग पार्टी चार्टी करेंगे। नहीं 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 सोड़ी यहाँ पार्टी शार्टी नहीं कर सकते। मेरे ससुर जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ससुर जी ओ मतलब अभी थोड़ी देर में अंदर जाकर बन जाएंगे ना। क्या कॉन्फिडेंस है वाकई। हाय गाइस हाय हाय प्लीज कम आइए। थैंक यू बोलो बस आओ जी आओ चाचा जी आवे मुझको क्या बात। आइए आइए आगे जी आगे। वेलकम वेलकम थैंक यू हेलो वेलकम 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 नमस्ते नमस्ते वी आर वेटिंग फॉर यू। या बात है वो कह रहे कि वो हमारा इंतजार कर रहे थे। हेलो माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। पोपटलाल नॉर्मल टोन में बोलो ना। ओके माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड। दैट्स सो नाइस ऑफ यू। एक्चुअली पापा इज वेटिंग फॉर यू सो चलें। आइए उल्टा चश्मा तारक महत।